अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूँ आपका अपना आदरी आज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो जनाब, आप लोगों ने खबर तो सुन ली होगी कि इम्पोर्ट बंद कर दी गई है, और अब अगर बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी इस मुल्क के अंदर तो क्या होगा? बहुत सी चीज़ों पे इम्पेक्ट पड़ेगा, यानी कि मोबाइल हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो कहानी होगी वो होगी टाइल की। आप सुनने में आ रहा है कि टाइल के रेट बढ़ने वाले हैं। वो टाइल के रेट क्यों बढ़ेंगे? दो चीज़ें, एक तो अगर इम्पोर्ट बंद होगी, यानी कि अगर बाहर से टाइल नहीं आएगी, बाहर से चाइना की टाइल नहीं आएगी, ईरानी टाइल नहीं आएगी, तो जो पाकिस्तान में टाइल बनाई जा रही है, टाइम्स की टाइल, आई थिंक गोजरावाला साइड पर बनाई जा रही है या फैसलाबाद साइड पर, जो भी टाइम्स की टाइल, इसकी प्राइस ऊपर चली जानी है। और सुनने में आ रहा है कि 40 रुपये बढ़ने वाली है टाइल। तो जनाब, कहना ये है कि अगर आप लोगों ने अभी टाइल परचेज़ करनी है या और भी चीज़ें, क्योंकि आज सरिया का रेट क्या है? आज सरिया का रेट था 187, 187 रुपये था, कल था 186 रुपये, और 2 दिन पहले हमने मालूम किया तो 184 रुपये था, इसलिए हमने सरिया फ़ौरन उठा लिया, क्योंकि डॉलर बढ़ता जा रहा है। डॉलर 201 पे आ चुका है, डॉलर अभी बढ़ रहा है, और चीज़ों की अभी कीमतें जो हैं प्रॉपर तरह से बढ़ी नहीं है, बट 1-2 दिन में प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है, सरिया भी ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कोशिश करें ऐसा मटेरियल लेकर रख लें जो कि ख़राब नहीं होता, ख़ासकर आप सरिया ले लें। और अगर आपके पास जगह है, स्पेस है, यानी कि आप इस पोजीशन पर पहुँचेंगे आप टाइल खरीद सकते हैं, तो फ़ौरन से आप लोग जो है टाइल अपना उसकी बुकिंग करवा लें और लेकर अपने पास रख लें, मतलब ड्राइंग रूम रख लें, टीवी लॉन्च में रख लें, तो ये चीज़ें आप लोग खरीद कर रख लें। और ऑब्वियसली सुनने में आ रहा है कि 50 रुपये जो है पेट्रोल भी बढ़ने वाला है, और पेट्रोल जिस दिन बढ़ गया, डीजल जिस दिन बढ़ा, उस दिन तबाही हो जाने वाली है। अभी प्राइस सही से बढ़ी नहीं है, मतलब कुछ पैसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेट्रोल ऊपर आएगा चीज़ें ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगी एकदम से। और इस मुल्क का ये है कि जब एक बार चीज़ ऊपर चल जाती है वो नीचे कभी नहीं आती। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। तो अगर आप लोग के पास यानी कि अमाउंट है रखा हुआ है तो चीज़ें आप परचेज़ कर लो। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग ये कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो जो घर आप लोग कल को ख़रीदोगे, यानी कि आज की जो प्राइस है और कुछ महीनों के बाद जो प्राइस होगी, क्योंकि अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, तो वो ज़ाहिर है कॉस्टली होगी, और मकान जो है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और मतलब यानी कि जो बिकने वाले मकान हैं उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर अभी आप लोग मकान परचेज़ करना चाह रहे हो कहीं पर भी, तो फ़ौरन से परचेज़ कर लो अगर आपके पास अमाउंट है तो। अगर आप नहीं करना चाह रहे परचेज़ और वेट कर रहे हो कि यार प्राइस कम हो जाएगी, तो प्राइस कम नहीं होने वाली। 10:30 बज रहे हैं, इस वक्त वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप लोगों को बता दूं कि भाई आज सरिया का क्या रेट था, और टाइल के रेट भी बढ़ने वाले हैं, 40 रुपये सुना है बढ़ने वाले हैं, और हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है अगर पेट्रोल बढ़ जाता है, और पेट्रोल बढ़ने वाला है 1-2 दिन में, यानी कि अभी इन्होंने रोका हुआ है पेट्रोल को किस तरह से कि भाई पेट्रोल रोका जाए, और आपको सबको पता है क्यों रोका हुआ है, प्राइस इंक्रीज़ क्यों ना हो, क्योंकि रिएक्शन आएगा। तो आप फ़ौरन से चीज़ें परचेज़ कर लें, अगर पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ बढ़ेगी और उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। सेकंड ये कि सरिया का रेट तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप चीज़ें परचेज़ करके रख लें। बट वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास कम अमाउंट है, जब पूरा अमाउंट आ जाएगा तो हम घर बनाना स्टार्ट करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। अगर आप लोगों के पास इतना अमाउंट है कि आप लोग जो है स्ट्रक्चर बना सकते हो, यानी कि सिर्फ 2 छतें डाल सकते हो, तो भाई 2 छतें डाल दो और फिर गेट लगा दो, और फिर जैसे जैसे पैसे आएंगे आप उनको बनाना शुरू कर दो मकान, और इंशाल्लाह एक दिन मकान बन जाएगा। वरना ये होता कि कल को जब आप बनाने जाओगे ना, तो 5 से 10 लाख महंगा ही बनता है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम कल से प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन से हम लोग बिज़ी चल रहे थे, शादियों में दोस्त की शादी थी तो उसमें हम बिज़ी चल रहे थे, तो अब प्रॉपर हम वीडियोज़ बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप अपना मकान बेचना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं म्यांमार साइट पर, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, और डायरेक्ट ऑनर से मीटिंग भी करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुश रहिए। और एक दुआ आखिर में कि अल्लाह ताला उन लोगों को अपना घर नसीब फरमाए जिनके पास अपना घर नहीं है, या वो लोग जो अपना घर बना रहे हैं, मतलब उनको इस काबिल बनाए कि अपना घर मुकम्मल कर सकें। खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।